कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे गाइज, हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइज हम अपने न्यू वाले पार्लर, न्यू वाले घर पे हैं। और गाइज आज का मुहूर्त है, पूजा है 10 बजे का। और देखो मम्मी, ये आम के पत्ते का माला और वो अशोका का माला होता है ना गाइज, शुभ होता है, तो ये बनाया जा रहा है। ये देखो गाइज, अभी सुबह ही लेके आए थे हम तोड़ के, रात को लाते तो सूख जाता ना, अभी लिया है ना, इसलिए गाइज सुबह ले आए थे। देखो कितना सारा। और गाइज अभी पंडित जी आए हैं, आने वाले पंडित जी थोड़ी देर में। और ये देखो प्रसाद बनाया, पंजीरी, मीठा 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 दिया जाता है ना। और गाइज हमारी आंटी भी दीदी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो गाइज धीरे धीरे सब आने लग गए हैं, और अब मम्मी नहा ली है, हम लोग नहाए नहीं अभी, हम दूर दूर से ही काम कर रहे हैं, प्रसाद वाला काम मम्मी कर रही है गाइज। और अभी तो गाइज क्या करूं, पता है आपको, अड़चन पे अड़चन आ रहा, पूजा नहीं हो पा रहा है गाइज। और पंडित जी का टाइम दे रखे थे 9:30, बज गया है 10, ठीक है। और इतने अड़चने आ रहे हैं गाइज, मेरी फ्रेंड थी उनके पड़ोस में, उनके प्लॉट पे भी लड़ाई वड़ाई चल रही है, और बहुत दिमाग खराब हो रहा गाइज, क्या करे, वो भी आ नहीं पाई है। अभी नहाए भी नहीं है मम्मी, नहाई है गाइज, बस मैं नहाई भी नहीं हूँ, मम्मी तैयार भी नहीं हूँ, तैयार होना, पंडित जी को 11-12 बजे का टाइम दिया है मुहूर्त का, तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। 11 बजे आ जाएंगे, 11 बजे पंडित जी आ जाएंगे, 1 घंटा कथा करेंगे, फिर हवन होगा। और गाइस लाइव में बने रहना, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। और आपको पूरा दिखाएंगे घर भी, बट अभी नहीं, अभी हम नहाए धोए नहीं, नहाने धोने के बाद दिखाएंगे। हाँ गाइस, सब्जी उब्जी बन रही है अभी, और प्रसाद के लिए सारा सब कुछ बना रहे हैं, आपको पूरे घर का टूर भी करवाएंगे, ठीक है ना, आप लोग वीडियो में बने रहो। ये तो कमरा है गाइस, है ना। और ये ऊपर है, जीने के से ऊपर जाके चौथी मंजिल पे है गाइस किचन, इतना दूर किचन में कैसे खाना बनाऊंगी गाइस। और ये हमारा देखो गैलरी है, देखो अब हम आ गए हैं, अब ये लोग चले जाएंगे घर। अच्छा, ये होने चले जाएंगे रेडी, क्योंकि अब हम रेडी होके आए हैं। बनाओगे पूरी गाइस? अभी लोग पूरी बनाएंगे, क्योंकि मम्मी आटा सान रही है पूरी के लिए, प्रसाद बनाएंगे कन्या के लिए। ये बहुत परेशान हो रखे हैं, भट को इधर से उधर, क्योंकि जगह दो जगह भटका हुआ है ना, बंटवारा हो रखा, कभी इधर जाना पड़ रहा है, कभी इधर जाना पड़ रहा है। तो गाइस हम दोनों का सूट देखो कैसा है, मोनू से मिलो, मोनू भी तैयार हो गया है, बहुत दिनों बाद रेडी हुआ हूं गाइस। ये मेरी बहन है, तो गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस ये यहाँ पर अभी देखेंगे, यहाँ पर होगा हवन शायद, या नीचे होगा, अभी अब नीचे जा रहे हैं। ये लगा रखा है, ये पत्ते लगा रखे हैं गाइस हमने, देखो यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है गाइस, जो मतलब हवन वगैरह होगा उसका, अभी सारा सामान आया नहीं है, फिर शिफ्ट करेंगे हम। और यहाँ पे गाइस हम अपना थोबड़ा देख सकते हैं, ये है आउटफिट चेक। तो गाइस ये है हमारा सूट, और ये सब हमने पहन रखा है। चलो गाइस अब हम आगे चलते हैं। किसी की लग रही थी, पानी कितने अच्छे से आता है, ये पानी मेरे को गाइस आगे का वीडियो, मम्मी जब रेडी हो जाएगी जब दिखाएंगे, अभी अभी हम रेडी हुए हैं, अब पूरी पूरी बनाएंगे हम लोग। हेलो गाइस, जैसी भी हम कैसे आप सब आए हो, पंडित जी बस अब आने वाले हैं, और ये बच्चे पार्टी, ये देखो क्या खा रहे हैं, समोसा पार्टी हो रहे हैं। ये देखो बच्चों, बिना पूजा के भंडारा चल रहा है यहाँ पर। हेलो गाइस, चाय पी लो। अरे बच्चों आए करो, आए सब पीजिए खाने में अभी। और ये मेरी बेटी है, ये देखो पूरी बना रही है मेरी बेटी, ये आपको शेफ फैमिली जैसी होती है, बना के बच्चा बना के। अब जाके गाइस हम लोग थोड़ा रेडी हुए हैं, और अब पंडित जी आ रहे हैं, अब कथा वगैरह सुनेंगे। तो मम्मी
मेरा तो फास्ट है ना, कथा सुन के उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और आपको वीडियो में बने रहो, फिर आगे का और दिखाते हैं। पूजा पाठ आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं कथा सुनने और दिखाते हैं आपको नीचे। चलो पूजा आ जाओ, चलो गाइस नीचे दिखाते हैं। ये देखो पंडित जी हमारे आ गए, दिया लेके आ रखे हैं। दिया सब कुछ इसमें ही होगा, बड़ा वाला दिया सब इसमें ही है। दिया बड़ा छोटा सब है, देखो जो बनते हैं सब कुछ इधर ही है। बैठ जाओ बेटा, जो अच्छे से नहा दो क्या रखे, बैठ जा सब। पंडित जी जन्म ला रखे होंगे तुम जन्म लेट हो गए थे गाइस। ये मेरी बहन है और इन्हीं का प्लॉट के लिए बता रहे थे आपसे, लड़ाई वड़ाई हो गई थी तो थोड़ा लेट हो गए पूजा में। अब चलो अच्छा तैयारी हो रही है, देख लो सारे के सारे बैठ गए। अभी कुछ लोग आना रह रहे हैं और मैं इतने आपको बाहर का व्यू दिखा के आती हूँ। चलो मंदीप, ये है बाहर का व्यू, ये हमारी दुकान है, रूम है और आप देख सकते हो। और अंदर पूजा हो रही है। वर्षा चुन्नी लिया, चुन्नी लिया, चुन्नी लिया से बैठेगी नहीं क्या? और गाइस ये नीचे का रूम है, पूजा ने आपको दिखाई दिया होगा सुबह ब्लॉग में, ये नीचे का है। अब ऊपर चलते हैं, चलो जब बात करो। और
ऐसे सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत नरम ब्राह्मण रहता था। भूम पर व्यासी पीछे घूमाने चलता भूम पर घूमता था ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला। भगवान ने ब्राह्मण को चुनी देकर पूरे ब्राह्मण का रूप धर लिया। उसके पास जा आदर करके साथ पूछाने पर प्रेम से दुखी हुआ है पृथ्वी पर क्यों घूमते हो श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला मैं ब्राह्मण हूँ इच्छा के लिए पृथ्वी पर करता हूँ। हे भगवान अभी आपका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला सत्यनारायण भगवान का व्रत फल देने वाला है इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तेरा ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अध्ययन राजा ने ऐसे वचन सुनकर कहकर भगवान इंद्रध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्र की कुछ सभा में स्वप्न सुनाया पर भरत पुत्र को कैद से मुक्त कराया। सभा में बुलाया और कहा महान भाव इस समय ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है मैं तुम्हें भय नहीं करूंगा। कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र भूषण पहनाया तथा उनका जितना धन लिया था उसे वापस धन देकर आदर से विदा कर दिया है। वह अपने घर को चला गया। सूत जी बोले हे बताऊंगा नहीं बजाना और बजाना